प्रदेश में भारी बारिश से लगातार जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चादून क्षेत्र के किसान भी इस बारिश से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दरअसल विकास नगर में आसन नदी के मुहाने पर बसे आदूवाला, शाहपुर, कल्याणपुर, धर्मवाला और ग्रांट गांव के किसानों की फसलें पानी के सैलाब की भेंट चढ़ चुकी हैं। पिछले दो दिनों से हरी भरी भारी हो रही बारिश के वजह से आसन नदी के मुहाने पर बसे कई गांवों के किसानों की तकरीबन 50 बीघा से अधिक जमीन पानी के इस सैलाब में बह गई है। इसके साथ ही मक्की और धान की फसल भी भारी बारिश में बह गई है। इसको लेकर किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों से नदी के किनारे जमीनों को बचाने के लिए दीवार लगाने की गुहार लगाई है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। जी सर, बहुत खतरा, हम तो चाहते हैं सर हमारी जमीन से यहाँ पे कुछ तो लगे सर, कुछ रोक लगे, कुछ दीवार वगैरह जिससे हमारी जमीन बच जाए। फसलों की कैसी स्थिति है सर? देख लो, आप ही देख लो सर, सारी मक्की मुक्की बह चुकी है। यहाँ से जितने भी थी मक्की थी, फली वगैरह थी, फली फलियाँ रखी थी सर, सब बह चुकी है सर। जो परसों पानी आया सर, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। धान भी काफ़ी बह चुके हैं सर। इधर जो मक्की वो रखी थी, फलियाँ थी और लोबिया वगैरह, दाल वगैरह सब बह चुकी है सर पानी की वजह से। तो हो ही रहा है, तीन चार साल से बहुत ज़्यादा ही हुआ, कटाव होता जाता है, ज़्यादा फसलें नष्ट हो रही। अभी जो बीती रात जो बारिश हुई उससे कितना नुकसान हुआ है? करीबन 50 बीघे धरती निकल कट चुकी इसी पानी से, कल के पानी से, कल परसों पानी। और फसलों का क्या हाल है? फसलों को तो आप देख ही रहे स्थिति, कितनी कटाव हो रहे, दुनिया भर के कटाव हो रहे। अरे रुक जा रही है, जो आपदा से नुकसान हुआ है, फसलों का कटाव हुआ है, इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जो सरकार द्वारा तय मुआवजा है उसकी जो जद मांगेंगे उनको मुआवजा प्रदान।